गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये कंपाउंड फॉर्मेशन का थर्ड लेक्चर है। अगर आप कंपाउंड फॉर्मेशन का फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से कंपाउंड फॉर्मेशन का फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर जाके देख सकते हो और देख लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसेल के बारे में। देखिए, समझिएगा कि जैसे स्टेट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग राज्य कहते हैं, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट होता है जिसे हम लोग जिला कहते हैं, और फिर आपका सब डिस्ट्रिक्ट होता है जिसे हम लोग प्रखंड कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह का ये क्या होते जा रहा है, डिवीजन होते जा रहा है। जैसे स्टेट से पहले आपका क्या होता है, कंट्री हो जाता है ना, कंट्री, फिर उसमें आपका स्टेट, फिर उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर उसमें आपका सब डिस्ट्रिक्ट, है ना, फिर ऐसे विलेज चला जाता है अगर आप विलेज में रहते हो तो। सेम उसी वे से अगर हम लोग एलिमेंट्स में बात करें तो हम लोग देखे थे सेकंड लेक्चर में सेल के बारे में, सेल का पार्टिसिपेशन किया जाता है तो क्या मिलते हैं, सब सेल मिलते हैं। अब समझिएगा, सब सेल का अगर बात कर रहे हैं तो यहां पर यह बात आता है कि सब सेल आखिर में है कितने, ठीक है, अब कौन कौन से सब सेल है। ठीक है, तो आपके 4 सब सेल है, कौन कौन से है सो समझिएगा, एस, पी, डी और एफ। कौन कौन से सब सेल है, एस सब सेल है, पी सब सेल है, डी सब सेल है और एफ सब सेल है। ठीक है, अब यहां ये आप समझोगे कि किस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं बात करूं एस सब सेल का, तो एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कितने रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं बात करूं अगर पी सब सेल में, तो पी सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं डी सब सेल का, तो इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और मैं बात करूं एफ सब सेल का, तो इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देखिए, ये जो सब सेल है एस पी डी एफ, ठीक है, एस में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अगर उससे कम रहा तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, पी में आपका मैक्सिमम 6 और इससे मिनिमम भी रह सकते हैं, उससे कोई दिक्कत है नहीं। डी में आपके मैक्सिमम 10 ही रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकता, और एफ में आपके 14 रह सकते हैं। देखिए, इसको रिमेंबर करने का आपको कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। कैसे, समझिएगा, यहां पर देखोगे क्या हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन को आपको बढ़ा देना, कितना कर देना, +4+ कर देना। तो देखिएगा कि जब आप सभी में +4 करोगे तो वो आपका, देखिएगा, रिमेंबर करने की कोई जरूरत नहीं। एस में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान में रखना है, उसमें आप 4+ कर दीजिए, क्या होगा, 6, जो कि पी के लिए निकल गया, पी सबसेल के लिए। ठीक है, फिर आप 6 में 4+ कर दोगे तो 10 आ गया, जो कि आपका डी सबसेल के लिए निकल गया। फिर आप 10 में 4+ कर दोगे तो 14 हो जाएगा, जो कि आपका एफ सबसेल के लिए निकल गया। तो ये तो था कि किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब हम लोग यहां ये समझेंगे कि हम लोग किसी भी एलिमेंट का जब सबसेल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से कर सकते हैं, उन चीजों को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि हम लोग सबसेल के बारे में समझ चुके हैं कि सबसेल होता क्या है, और हम लोग ये भी समझ चुके हैं कि सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो हम लोग सबसेल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो आखिर में करेंगे ही कैसे, करेंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए उस चीज को समझते हैं। देखिए, इसको रिमेंबर करने का आपको कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना, रिमेंबर करोगे तो आप भूल जाओगे, तो इसको आप समझने का प्रयास करो। तो चलिए उस चीज को समझते हैं। देखिए, आपको करना क्या है कि 4 तक आपको इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, और 4 और 5 सेम रहेंगे, फिर 5 के बाद आपको डिक्रीमेंट करना है, मतलब 4 तक इंक्रीमेंट, 5 के बाद डिक्रीमेंट, किसका, सबसेल का, समझिएगा। देखिए, 1s फर्स्ट नंबरिंग था, उसके बाद क्या आएगा, सेकेंड नंबरिंग आएगा, तो आपको क्या बोले, सबसेल इंक्रीमेंट करते जाइए, कहां तक, 4 तक। तो 1s, फिर क्या हुआ, 2s 2p सबसेल बढ़ रहे हैं, 3s 3p 3d, ठीक है, फिर आपका 4s 4p 4d 4f,
और 4 और 5 आपके सेम रहेंगे, तो 5s, 5p, 5d और 5f। उसके बाद क्या है, डिक्रीमेंट s, 6p और 6d डिक्रीमेंट होते जा रहे हैं, फिर आपका 7s, 7p, देन आपका 8s। तो यहां पर हम लोग ये देखें, तो यहां पर हम लोग ये देखें कि 1 से लेकर 4 तक आपका क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, देन 5 के बाद आपका क्या हो रहा है, सबसेल का डिक्रीमेंट हो रहा है। अब आपको यहां करना क्या है कि इस प्रकार से कट करते जाना है, तो 1s में कट किए, फिर 2s में, फिर 3s 2p गया, 4s 3p गया, फिर आपका 5s 4p 3d कट हुआ, फिर 6s 5p 4d कट हुआ, फिर इसमें आपका 7s 6p 5d और 4f कट हुआ, इसमें आपका 8s 7p 6d और 5f कट हुआ, है ना। इस प्रकार से कट कर देना है। अब यहां पर देखोगे कि आप लिखोगे कैसे, उस चीज को समझिएगा। देखिए यहां पर करना क्या है कि जो ये फर्स्ट वाला कॉर्नर है उसको लास्ट वाले कॉर्नर से मैच कर देना, ठीक है। तो सभी के फर्स्ट वाले कॉर्नर को क्या कर सकते हैं, लास्ट वाले कॉर्नर में मैच कर देना है। किस लिए, तो आपको लिखने में इजी हो इसलिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि फर्स्ट वाले कॉर्नर को लास्ट वाले से आपका मैच कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको लिखने में क्या इजी होगा सो समझिएगा, क्योंकि आप चलोगे कैसे, जैसे देखिए 1s आया, ठीक है, तो इधर से आया 1s, फिर इधर से जाओगे तो यहां जाओगे 2s, फिर इधर से जाओगे तो इधर जाओगे 2p, फिर 3s, फिर इधर से जाओगे तो इधर की ओर जाओगे, तो पहले आएगा 3p, फिर 4s, फिर इधर से जाओगे तो पहले 3d आएगा, फिर आपका 4p, फिर 5s, इस प्रकार से चलते जाएगा। इसलिए मैं उस चीज को दे दिया हूं, आप दो या ना दो कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इस चीज के लिए आप एक रफली डायग्राम बना सकते हो, है ना। तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। फर्स्ट में क्या है आपके 1s है, ठीक है, फिर इधर से जाओगे तो क्या आएगा 2s आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा इधर से जाओगे तो 2p आएगा, उसके बाद क्या आएगा 2p के बाद 3s आएगा, ठीक है, उसके बाद इधर से जाओगे इस कॉर्नर में तो क्या आएगा 3p आएगा, 3p, उसके बाद क्या है यहां पर 4s है, ठीक है, 4s हुआ। अब यहां से यहां जाओगे तो क्या आएगा 3d आएगा, उसके बाद क्या आएगा जी 4p आएगा, है ना, और 4p के बाद क्या आएगा जी 5s आएगा, और 5s के बाद जाओगे तो क्या आएगा 4d आएगा, 4d के बाद क्या आएगा जी 5p आएगा, और 5p के बाद क्या आएगा 6s आएगा, ठीक है। 6s के बाद क्या देखने को मिल रहा है 4f, ये कॉर्नर इधर की ओर जाएगा तो 4f, है ना, 4f के बाद क्या देखने को मिल रहा है 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद क्या है 7s है, उसके बाद क्या है 5f है, उसके बाद क्या है 6d है, उसके बाद क्या है 7p है, फिर लास्टली क्या है आपका 8s है। तो यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि हो क्या रहा है कि हम लोग जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से किस प्रकार से किसी भी एलिमेंट का सबसेट का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, उस चीज को हम लोग इस स्केच के थ्रू से, इस डायग्राम के थ्रू से हम लोग पता कर लिए। मतलब फर्स्टली आपका क्या होगा 1s होगा, फिर 2s होगा, 2p होगा, 3s होगा, 3p होगा, 4s होगा, 3d होगा, 4p होगा, फिर आपका 5s होगा, 4d होगा, 5p होगा, 6s होगा, देन आपका 4f होगा, 5d होगा, 6p होगा, 7s होगा, उसके बाद आपका 5f, 6d, 7p और लास्टली 8s, ठीक है। ये चीज आपको रिमेंबर करने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, अगर आप इस चीज को समझ गए होंगे कि 4 तक हम लोग को क्या करना है, सबसेल को इंक्रीमेंट करना है, 4 और 5 सेम रहेंगे, फिर 5 के बाद डिक्रीमेंट करना है, मतलब 4 तक इंक्रीमेंट, 5 के बाद डिक्रीमेंट, और क्रॉस और कट करते हुए चलना है, तो आप इजिली फाइंड आउट कर दोगे, तो रिमेंबर करने का कोई रिक्वायरमेंट रहा नहीं। और यहां आप ये समझोगे कि 1s से ग्रेटर कौन है, आपका 2s, अगर ऐसे सैंपल देना चाहें तो 1s से ग्रेटर 2s हो गया, और 2p से ग्रेटर कौन है 3s हो गया, मतलब ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं आपका ग्रेटर हो रहे हैं,
है ना। इसका बोले तो इससे ग्रेटर आपका है, ये है इधर की ओर, है ना, ये लास्टली था। देखिएगा कि 1s से ग्रेटर 2s है, 2s से ग्रेटर 2p है, 2p से ग्रेटर 3s है, फिर आपका इससे ग्रेटर 3p है, फिर इससे ग्रेटर 4s है, इससे ग्रेटर 3d है, इससे ग्रेटर 4p है, 4p से ग्रेटर क्या है 5s है, 5s से ग्रेटर क्या है जी 4d है, 4d से ग्रेटर क्या है 5p है, 5p से ग्रेटर क्या है 6s है, 6s से ग्रेटर क्या है 4f है, 4f से ग्रेटर क्या है 5d है, 5d से ग्रेटर क्या है 6p है, और 6p से ग्रेटर क्या है 7s है, और 7s से ग्रेटर क्या है 5f है, 5f से ग्रेटर क्या है 6d है, 6d से ग्रेटर क्या है 7p है, और 7p से ग्रेटर क्या है 8s है। तो इस प्रकार से है, जैसे यहां पर आप समझिएगा किसी भी एलिमेंट का बात करें तो समझिएगा, जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं सोडियम का, ठीक है, सोडियम का आप देखिए यहां ये समझिएगा कि जो सबसेल का भी कॉन्फिग्रेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होता है किसी भी एलिमेंट का। जैसे सेल का कॉन्फिग्रेशन हम लोग देख रहे थे कि एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होता है, सेम वैसे ही सबसेल का भी कॉन्फिग्रेशन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होता है, और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर किसी भी एलिमेंट्स का वो कंपाउंड फॉर्मेशन के सेकेंड लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर नहीं देखे होंगे तो वहां से जाके देख सकते हो उस वीडियो में, ठीक है। अब ये समझिएगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्या होता है 11। अगर हमको इसको सबसेल का कॉन्फिगरेशन करना है तो फर्स्टली आएगा क्या 1s, ठीक है 1s। अब s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s यहां पर आपका उसके पावर में 2 देना है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद देन उसके बाद क्या आएगा 2s आएगा, और s में कितने रहते हैं 2 ही रहेंगे, तो देखिएगा s में 2 आया। अब कब तक चलेगा ये, तो जब तक इलेक्ट्रॉन आपका उसका कंप्लीटली हो ना जाए। जैसे सोडियम में एटॉमिक नंबर है 11, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हुई 11 हुई, तो 2 2 4 हुआ, अभी हमारे पास रिमेनिंग कितने हैं 7 रिमेनिंग है ना, तो 2p, उसके बाद क्या आता है 2p, p में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं 6, है ना जी। तो देखोगे 2 2 4 हुआ, और 4 और 6 10 हुए, जबकि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, मतलब एक और बढ़ेगा, ठीक है। तो 3s, तो 3s में क्या आ जाएगा आपका 1। बोलिएगा 1 कैसे आएगा, क्योंकि देखो s में मैक्सिमम कैपेबिलिटी 2 इलेक्ट्रॉन का है, 2 से अधिक नहीं रह सकता लेकिन कम रह सकता है ना। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 4 और 6 क्या हुए 10, और 10 में 1 ऐड कर दीजिए हो गए 11। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, उसका सबसे कॉन्फिग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स का और भी आप समझ लो, जैसे अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का सैंबल H होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 1 होता है, तो जब आप इसका सबसेट का कॉन्फिग्रेशन करोगे तो कैसे होगा, फर्स्ट में क्या आएगा 1s, एटॉमिक नंबर 1 है तो 1s1, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, है ना, चूंकि देखिए एस में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, कितने रह सकते हैं 2 रह सकते हैं, लेकिन इसमें आपके हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ड्यू टू दिस रीजन इनका जो आपका सबसेल का कॉन्फिग्रेशन होगा किसका, हाइड्रोजन का, वो 1s1 होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी के बेसिस पे आप कॉन्फिग्रेशन करोगे ना, तो ये हो जाएगा। अगर हम लोग इस प्रकार से बात करें नियॉन का, ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और सैंपल होता है Ne, तो आप बांटो देखो फर्स्टली में क्या आएंगे 1s क्या होगा 2, क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसके बाद क्या 2s 2, फिर आपका 2p 6, यहीं तक जाएगा। बोलिएगा कैसे, देखोगे कि एटॉमिक नंबर इसका 10 था, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन और 6 क्या हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये आपका सबसे कॉन्फिग्रेशन है नियॉन का। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 7 होता है, अब इसका सबसेल का कॉन्फिग्रेशन करो तो फर्स्टली 1s लेना है, 1s 2, फिर आपका 2s 2, अब देखिए यहाँ 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7 है,
ठीक है, तो आपका 2p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और p का मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितने का है, 6 इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन उसमें कम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं रह सकते, किससे ज्यादा, 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा p सबशेल में नहीं रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p3 ये आपका सबशेल कॉन्फिगरेशन है नाइट्रोजन का, ठीक है, 2 2 4 4 और 3 7, आप समझ रहे होंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें अगर कैल्शियम का, तो देखो कैल्शियम Ca सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 20। तो चलिए आप लोग कॉन्फिगरेशन करते चलते हैं। तो जैसे 1s2 ठीक है, फर्स्टली आपका 1s आया, 1s2 ठीक है, क्या हो गया 1s2, देन उसके बाद क्या आएगा 2s2, मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे सबसे फिलअप होते जाएगा वैसे वैसे हम लोग को आगे की ओर मूव करते जाना है, क्या करना है आगे की ओर मूव करते जाना है। तो 1s2 फिर क्या इसमें 2s2, फिर आपका क्या है 2p6 चला जाएगा, फिर आपका 3s2, फिर आपका क्या चला जाएगा 3p6 चला जाएगा, और आप एक बार देख लो कि कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2 2 4 4 और 6 कितने हुए 10 10 और 2 12 12 और 6 कितने हुए 18, ठीक है। अब 18 हो चुके हैं, अब हमारे पास बचे कितने हैं 2 बचे हैं, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है 20, इट मींस कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और 18 इलेक्ट्रॉन ले चुके हैं 3p तक। अब 4s2 ये आपका सबसे कॉन्फिगरेशन है किसका, कैल्शियम का। देखिए यहां समझोगे 1 से लेकर 20 तक किसी तरह का कोई दिक्कत होता नहीं है, 1 से लेकर 20 तक में सेम ऐसे ही चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखोगे, सबसेल कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को कंप्लीटली करना है, उम्मीद करते होंगे कि आप ये सब समझ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 24 और आपका 29 वो एक्सेप्शन होता है, और क्या एक्सेप्शन होता है वो समझिएगा, 24 नंबर एलिमेंट में आपका क्रोमियम आता है और 29 में आपका कॉपर आता है, क्रोमियम का सैंबल Cr होता है। अब इसका हम लोग सबसे का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो देखोगे कैसे होगा 1s2 फिर 2s2 फिर क्या है 2p6 है, फिर आपका 3s2 फिर आपका 3p6 है, फिर आपका 4s2 हो जाएगा, देन फिर क्या आएगा 3d और इसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, सो 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 6 18 18 और 2 20 और 4 24। तो एटॉमिक नंबर क्रोमियम का 24 है, तो इट मींस उसमें 24 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनका सबसे का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अनदर एलिमेंट का कर रहे हैं तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं ना। लेकिन इस तरह से अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, इस तरह से सबसेल का कॉन्फ़िगरेशन करते हो क्रोमियम का, तो वो गलत है, ये क्या है आपका गलत है। तो सही है क्या, समझिएगा कि जो ये एस का, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और इसमें चला जाता है, तो होता क्या है कि ये 1 बन जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन इसको अपना दे दिया तो ये 5 बन गया। आखिर में ऐसा हुआ क्यों, सो समझिएगा। देखिए पहले आप ये समझिए कि डी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो आपके 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कितने रहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो देखो डी सबसेल जो है वो आपका स्टेबल कब रहेगा, या तो हाफ सेल में, हाफ सेल अगर हाफ सबसेल इसका हाफ कंप्लीट रहा ठीक है, या फुल कंप्लीट रहा ठीक है। तो डी में डी का हाफ कितना होगा 5 होगा ठीक है, तो 5 में भी ये स्टेबल रहेगा और 10 में भी स्टेबल रहेगा। तो यहां पर था 4, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे अगर ले लिया तो हो क्या गया 5, तो ये स्टेबल हो गया। तो देखिए आपको पता है कोई भी एलिमेंट स्टेबल रहना चाहता है, स्टेबल कैसे रहेगा, इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करके या गेन करके या शेयरिंग करके, ये बात आपको पता है ठीक है ना जी। तो यहां पर क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसलिए जंप कर गया, ड्यू टू दिस रीजन यहां पर 5 हो गया। नॉर्मली हम लोग चलते हैं तो 4 लेते हैं, लेकिन यहां एक्सेप्शनली हो गया, थोड़ा डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसे कुछ था। सेम ऐसे इसी वजह से आपका इसका है कॉपर का भी है, तो कॉपर का भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कॉपर का जो सैंपल होता है वो क्या होता है Cu होता है ठीक है। अब इसका बांट हो गया तो क्या होता है 1s2 2s2 फिर आपका 2p6 3s2 फिर आपका 3p6 4s2 जाता और क्या जाता 3d आपका यहां 9 होता, 3d 9 होता। देखिएगा समझिएगा कैसे
कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो 29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 2, 2, 4, 4, 6, 10, 10 to 12, 12, 6, 18, 18 up to 20 or 9, 29 ऐसा हो जाता। मैंने आपको क्या बताया कि टी सबसेल जो है या तो हाफ में स्टेबल रहता है या तो फुल में स्टेबल रहता है, तो यहां पर आपका हाफ में स्टेबल करने के लिए ऐसा हुआ। ठीक है, आपको पता चल गया रीजन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें जंप किया इसके पीछे रीजन था स्टेबिलिटी का, है ना। अब यहां पर देखोगे कि ये फुल में कंप्लीट रहेगा तो 9 है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे इसमें शिफ्ट कर जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा जी। तो यहां पर क्या होता है कि इसका कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, डिफरेंट हो जाता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाते हैं, तो ये हो जाता है 1 और ये हो जाता है 10। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट में सभी का एक ही जैसा होता है, लेकिन दो उसमें एक्सेप्शन है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके बाद हर एक एलिमेंट का आप कॉन्फिगरेशन कीजिए, 1 से लेकर 30 तक कोई दिक्कत नहीं होगा। क्रोमियम और कॉपर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस चीज को ध्यान में रखोगे। बहुत कोई ये समझ नहीं पाते हैं, ये समझ जाते हैं कि इसमें 5 चला गया, लेकिन क्यों चला गया ये रीजन पता होना चाहिए। रीजन क्या है, मेन यहाँ रीजन है स्टेबिलिटी का। क्या रीजन है? स्टेबिलिटी का, क्योंकि डी सबसेल या तो हाफ में स्टेबल रहता है या तो फुल में स्टेबल रहता है। उम्मीद करता हूं कि आप सबसेल के बारे में और जो एलिमेंट का सबसेल का कॉन्फिगरेशन है वो किस प्रकार से होगा वो आप समझ गए होंगे।